कान में पानी गया। सीन ऐसा हुआ कि मेरे दोस्त ने भी सेम कैम लाया था, तो उसका थोड़ा सा गिर गया और इससे पानी चला गया। तो देखो गर्मी के वजह से पैर में छाले हो गए, इतना गर्मी था पता है, इतना गंदा गर्मी था। इस पैर में भी है बट ठीक है, चलने नहीं हो रहा है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम आए हैं वेट एंजॉय लोनावाला। तो लास्ट मंथ हम गए थे इमेजिका वाटर पार्क, तो काफ़ी लोग का हमें मैसेज आया था कि इमेजिका जाना चाहिए या वेट एंजॉय। तो हमने डिसाइड किया कि हम आएंगे, रिव्यू देंगे और आपको बताएंगे कौन सा बेहतर है। तो मैं बता दूं, हम लोग ने टिकट ऑनलाइन बुक किया था और हमें पड़ी थी 1099 रुपीज़ के टिकट प्लस एडिशनल 200 रुपीज़ के आसपास टैक्स लगा था। तो अराउंड 1200 में एक अडल्ट का टिकट मिल जाता है। तो उसके अलावा हमने ट्रेन का टिकट बुक किया था, हम कल्याण से आए हैं तो कल्याण से यहाँ तक का टिकट हुआ अराउंड 72 रुपीज़ इंक्लूडिंग जो भी GST वगैरह था। चलिए लोनावाला स्टेशन के बाद हमने रिक्शा बुक किया, बुक नहीं, रिक्शा स्टेशन के बाहर ही था। तो वहाँ से हमें पर सीट 75 रुपीज़ का हमें रिक्शा मिल गया। ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है, अराउंड 15 मिनट्स का ही डिस्टेंस है। आप चाहिए तो आगे जाके टमटम में भी बैठ सकते हो, उसमें आपको सिर्फ 30-35 रुपीज़ पर सीट होगा। तो अभी हम खड़े ठीक वेट एंजॉय के बाहर, तो चलिए अंदर जाके बताता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो जस्ट अभी हम लोग ने एंट्री लिया है, यहाँ पे हमें बैग चेकिंग हुआ है। ऑनलाइन से अगर ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप बुक कर रहे हो तो आगे उसका अलग से लाइन है जहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा आपका टिकट। तो फिलहाल इतना ही हुआ है, अंदर घुसे हैं जस्ट हम लोग। प्लस एक चीज नोट करो कि कोई भी फूड अलाउड नहीं अंदर। ओके, पैक फूड या फिर आप टिफिन विफिन कुछ नहीं ले जा सकते, कुछ है ऑलरेडी खत्म करो फिर अंदर ले जाओ। या तो ये सीन इमेजिका में भी हुआ था, यहाँ पे भी सेम है। वहाँ पे तो कम से कम ऐसा था कि भाई बाहर एक सेपरेट लॉकर थे वहाँ पर, कि वहाँ पर आप अपना चीज़ रख सकते हो, बाद में कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर है कि आप खत्म करो, खाली टिफिन ले जा सकते हो अंदर। अभी हमें पीछे जाना है उस पार और हमें लेना है हमारा टिकट। पीछे यहाँ पे काफ़ी सारा शॉप्स एंड ऑल है, तो चलिए अभी अंदर निकल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आप लोग ऑनलाइन बुक करते हो उसका स्कैन किया जाता है, उसमें स्कैनर होता है तो स्कैन किया जाता है। उसके बाद आपको बैंड जो भी एसेसरीज है वो मिलता है, इसके बाद ही आप अंदर जा सकते हो। तो यहाँ पे टिकट मिल रहा है। आपकी टिकट है? ओके ओके। आपको अंदर फूड लॉकर कॉस्ट्यूम के लिए अलग से पे करने हैं। ओके, वाटर पार्क 6 बजे क्लोज हो जाएगा। ठीक, थैंक यू सर। तो बेसिकली वहाँ से ये लोग टिकट देंगे जो हाथ में बांधा जाएगा, राइट? बैंड बैंड्स फ्रेंडशिप बैंड। यस गाइस, सो बेसिकली हम लोग वीकडेज पे आए हैं, इसलिए क्राउड कम है। यहाँ पर एक और ऑफर होता है थर्सडे पे, आपको 200 रुपीज ऑफ मिलता है नॉर्मल प्राइसिंग टिकट। ओके, सो आप थर्सडे को प्लान कर सकते हो, बट ऑब्वियस है ज़्यादा क्राउड रहेगा। या सो आप किसी और डे पे अगर प्लान करते हो तो आपको क्राउड कम मिलेगा। तो हम लोग आए बेसिकली वेनसडे के दिन, और वेनसडे के दिन जितना अभी तक दिख रहा है इतना क्राउड नहीं है जितना हम लोग लास्ट इमेजिका में दिखा था। उधर तो बहुत गंदा क्राउड था। वीकडेज में आओ, मैं भी यही सजेस्ट करूँगा। तो हमारे टिक इस साइड पे है एक, और कि अगर आप 5+ ग्रुप बनाते हो तो आपको एडिशनल टैक्सेस में डिस्काउंट मिलेगा। यस, सो यू 10% ऑफ मिलता है अगर आप 5 से ज़्यादा टिकट ऑनलाइन बुक कर रहे हो तो। या क्या आके मेरे को आइडिया नहीं हो इसका। तो टिक पीछे है एक फाउंटेन। तो चलिए आगे निकलते हैं हम। तो बेसिकली अभी हम अंदर जा रहे हैं, अंदर जाएंगे अभी उस लॉकर रूम लेंगे और कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, उसके बाद ही अंदर जाएंगे। अंदर आने के बाद यहाँ पे डिवाइड होता है रूट, ये है बेसिकली एम्यूजमेंट पार्क का और ये है बेसिकली वाटर पार्क का। तो यहाँ से होता है रास्ता डिवाइड और ठीक सामने है एक फाउंटेन जो कि है ये। तो ये है बेसिकली एंट्री, यहाँ से हमें अंदर जानी है। वो ऑलरेडी यहाँ पे गर्दी दिख रही है, इस बात का गर्दी है। वेलकम्स यू। हमें आना है यहाँ से। यहाँ से सीधा हम जाएंगे अंदर की ओर। तो वहाँ पे है बेसिकली
ड्रेसिंग रूम एंड ऑल। और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे है रिटेल शॉप्स, शॉप्स। इसके बाद सीधा हम अंदर जाएंगे। तो ऑलरेडी हमें स्लाइड्स एंड ऑल दिख रहा है। वाओ नाइस, आई गेस रेस्टोरेंट इज ग्रेट। एंड वहाँ पे है चेंजिंग रूम। तो बेसिकली हम मेरे ठीक पीछे है लॉकर रूम। तो लॉकर रूम का होगा अराउंड 300 रुपीज़, जिसमें से 200 सिर्फ लॉकर रूम का है और 100 रुपीज़ डिपॉजिट है जो आप वापस करने पे आपको मिल जाएगा। की ले लिया है हमारा। तो चलिए अभी अंदर जाता हूँ। ये आ रहा है? हाँ। तो बेसिकली ये है की इसमें नंबर दिया होता है, तो उस नंबर को हमें सर्च करना है। तो मेरा अभी जे है, तो जे वाला जाने है सीधा लॉकर्स पे। नंबर लगे आपकी की पर नंबर रखा है वो मैच करके लॉकर का साइज देखिए आप। लॉकर काफ़ी छोटा है देखा जाए तो। मैं बैग दिखाता हूँ, ऐसा तो घुसेगा नहीं बैग। अगर स्लैंटेड रख रहे हो तो दो बैग घुसना चाहिए, फिर भी चप्पल के लिए जगह नहीं रहेगा। तो फिलहाल हम लोग ड्रेस चेंज करने जा रहे हैं, जो भी कपड़े हैं चेंज करने जा रहे हैं, उसके बाद हम लॉकर में रखेंगे और सीधा निकलेंगे। भाई रख हो रहा है क्या? देख बैग तो जाना चाहिए। संभव हमने दो बैग भर दिया इसके अंदर, नीचे डाल दे। तो बेसिकली हम चप्पल रखने वाला है इसके अंदर, क्योंकि जब मैंने देखा नोटिस किया तो ऑलमोस्ट सारे लोग अंदर ही रखे। यहाँ का बेस्ट पार्ट यह है कि यहाँ पे सेल्फी स्टिक अलाउड है, क्योंकि जबकि इमेजिका में अलाउड नहीं था तो मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। एंड सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। आकाश कुछ बोलना चाहेगा? कंपेरेटिवली यहाँ का वॉशरूम ज़्यादा हाइजेनिक लग रहा है इमेजिका से, और ज़्यादा है, इट्स लाइक ओवर क्राउडेड नहीं लग रहा है, स्पेशियस भी है, और ड्रेसिंग और लॉकर रूम भी बहुत पास पास है। इमेजिका में सेपरेट कॉरिडोर्स में थे, तो वो भी कह सकता है कि चेंज करके वहाँ पे मूव करो, यहाँ पे कनेक्टेड ही है तो वही बेनिफिट है। वो तो है बेसिकली यहाँ का शवर एरिया। हम सोच रहे कि जाने से पहले एक बार शवर ले ले। तो उसके बाद ये रहा हमारा गूगल्स, मैं ये भी लाया हूँ, ये भी यूज़ करेंगे हम। क्या मैं सोच रहा हूँ जाओ कि नहीं, ज़्यादा ठंडा है इसे अच्छा ना ही करूँ मैं, बट इट्स इम्पॉर्टेंट। बट हाँ, इससे स्किन थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि डायरेक्ट क्लोरीन पानी में जाना इज नॉट दैट ग्रेट। अभी हम जाएंगे हमारे दोस्त के पास सनस्क्रीन लगाने के लिए। सो दिस इज अवर सनस्क्रीन, बॉडी लोशन। यस, दिस इज अवर फ्रेंड्स लॉकर। तो बेसिकली अभी हम लोग ऐसा दिखने वाले हैं। अभी तक हम लोग ने पूल में एंट्री नहीं लिया है, हमने सीरम लगा लिया है और सनस्क्रीन भी लगा लिया है। अभी हम निकलेंगे सीधा पूल के ओर। तो बाहर आ गए हैं हम लोग, अभी हम जाने वाले हैं सीधा वाटर पार्क में। ओह, सो दिस इज़ अ नाइस प्लेस गाइस। ये एक्चुअली किड्स एरिया है, यहाँ का पूल का लेवल काफ़ी कम है, छोटे बच्चों की ज़्यादातर राइड है, बट हम भी घुसेंगे। पैरों के लेवल का पानी है, इसलिए आप यहाँ पे पहले रहिए, धूप के साथ फोटो सिंथेसिस कर सकते हो, काफ़ी फोटो सिंथेसिस हो गई है। सो दिस इज़ द वाटर हियर, काफ़ी ठंडा है पानी। हाँ भाई, अपने को साथ रहना। तो चलो अंदर, यहाँ से ऊपर जाएंगे हम लोग। ओह शिट, वाओ चढ़ जा, चढ़ जा।
भाई नेक्स्ट लेवल सो वी आर गोइंग इन ऑरेंज वन. ये भी सही है भाई. जाओ जा रहा अपना नवीन. चलो मैं चला. तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ने छोटा मोटा राइड्स कर लिया है. तो आगे जब देख रहा हूँ तो आगे हर जगह पे बहुत बड़ा लाइन लगी हुई है. तो आई वॉज थिंकिंग कि एक्सप्रेस टिकट लेना ही सही था वीक डे में भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता 15-20 मिनट में लाइन खत्म होने वाला है और टाइम लगेगा उसको. तो वही है, तो बुरा लग रहा है कि एक्सप्रेस टिकट लिया नहीं. व्हाट्सअप पब्लिक, क्या है यहाँ पे? ओके तो हमें मिल गया यहाँ का मैप. हम फिलहाल ओके 9 पे है. हम इस चीज़ को ब्लैक करने पड़े. ओके तो इतना राइट ये बड़ा तो शायद बिजी पुल है और इसका शायद स्टार्टिंग 20 में होनी चाहिए. ओके यहाँ पर बड़ी साइड है, उस तरफ पुल है, यहाँ पर हम सबसे अंदर जाएंगे. तो फिर सिस्टम में अंदर जाएंगे. ओके तीन वाला कवर कर सकते हैं क्योंकि बहुत आउटस्टैंडिंग है ना लाइनिंग. तो बेसिकली ये था एंट्रेंस, हम लोग है वहाँ पे. अभी हमारा सामने था ये वाला 32. ओके तो यू आर सेइंग वहाँ पे लेसी पुल है. 21, 22, 23, 24 पर चल जाएगा. ओके ओके 21, 22, 23 रहेगा. तो हम क्या करते हैं, ओवरऑल कितना राइड्स दिख रहा है तेरे को वहाँ पे? आई गेस एक राइड है. राइड्स वहाँ पे लगी हुई चार्ट बड़ा सा. हाँ इधर. ओके वाओ. तो बेसिकली यहाँ पे है सारा राइड, फ्री फॉल, स्काई फॉल, मैट रेजर, विजार्ड, नाइटमेयर, साइक्लोन, बुमरैंग, इटालिया, टॉयलेट, ओशन रिट्रीट, निकनैक, क्रेजी रिवर, पंगामा, रेन डांस, रॉयल कैसल, टोर्नेडो, थंडर वेव्स एंड स्प्लैश. द प्रॉब्लम इज हमारे पास एक्सप्रेस टिकट नहीं है इस बार. तो इस बार हम स्ट्रगल करने वाले हर इसके लिए. तो वेट एंड सी. बेसिकली यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है ओशन रिट्रीट, तो उसके अंदर जाके दिखाता हूँ. तो काफ़ी स्पेशियस प्लेस है. ओ वाओ बहुत दूर तक है. तो वी रिजर्व वेजिटेरियन फूड ओनली. ओके काफ़ी से वेजिटेरियन फूड मिलता है आई गेस. गार्डन एरिया भी है एंड इसके ठीक पीछे है और गगन. तो वाओ काफ़ी बड़ा जगह है ये, और यहाँ से वो साइड भी जा सकते हो. तो ठीक है इम्पॉसिबल होगा. नहीं जहाँ से आया वहीं से निकलते. तो इफ पॉसिबल होगा तो यहाँ पे खा लेंगे आज. मुझे नहीं लगता होने वाला क्योंकि इतना गर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्दी है दोस्तों. और हमने एक्सप्रेस टिकट में अपग्रेड करने का कोशिश किया तो देवर आस्किंग एडिशनल 1,000 and 30 rupees. 1,000 rupees विच इज इक्वेलेंट टू न्यू टिकट प्राइस. क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी 1,200 rupees पे कर चुका है तो हमें लगा नहीं कि वो वर्थ इट है. हाँ प्लस इसका अलग से टैक्स भी होगा तो हमें वर्थ इट नहीं लगा, इसलिए हम नहीं कर रहे. तो हमने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पे जो हम लोग क्यू में खड़े हैं वो एक्चुअली 3 राइड्स का एक साथ है. तो इसलिए 3 राइड्स का कलेक्टिव क्राउड एक साथ आ रहा है. जो कि बहुत बुरी बात है क्योंकि एक ही क्राउड में मतलब इतने लोग के लिए हमको 3 बार रुकना पड़ेगा 3 राइड्स को कम्प्लीट करने. तो इट्स लाइक ये जो भी राइड दिख रहा है ये 3 राइड्स है और उसका लाइन लगा हुआ है ये वाला, और एक खत्म होते ही वापस घूम फिर के यही लाइन पे रुकना है. यही इस लाइन की बुरी बात है. तो थोड़ा बुरा लग रहा है कि ऐसा टिकट लेना चाहिए कि नहीं समझ में नहीं आ रहा. ऑप्शन दिया था उसने ले सकता था 1,000 rupees का. तो गाइस अंदर था बहुत गर्दी तो मैंने क्या किया, मैं काउंटर पे आके पूछा कि मुझे एक्सप्रेस में अपग्रेड मिलेगा क्या. तो व्हाट आई डिड इज बहुत पहले तो बोल रहे थे नहीं, फिर दूसरा काउंटर में भेजे, वहाँ पे बात हो गई और मुझे मिल गया है एक एक्सप्रेस टिकट.
तो इसका मैंने एडिशनल पे किया है 1000 रुपीज़ एंड 3 पैसे समथिंग। तो इसका यही फ़ायदा है कि आप हर एक राइड एक बार बिना लाइन रुक के जा सकते हो। तो दिस इज़ द बेनिफिट अबाउट दिस थिंग, क्योंकि अंदर इतना गर्दी था और मुझे व्लॉग बनाना था। लास्ट टाइम मैंने मोस्ट ऑफ द राइड्स का वीडियो नहीं डाला था तो लोग काफ़ी गुस्सा हुआ था, तो दिस टाइम सोच रहा हूँ कि कंप्लीटली डालूँ, इसलिए मैं एडिशनल पे करके एक्सप्रेस टिकट निकाला। तो गाइस अभी हमें पता चला है कि अभी यहाँ पे वेवपूल होने वाला है फॉर अराउंड हाफ आवर मोर, उसके बाद से होगा बाकी सारा राइड ओपन। तब तक के लिए बाकी सारा राइड बंद किया गया है, सिर्फ वेवपूल ओपन है ऐसा अपना। तो अभी हम जाएंगे वेवपूल। सीन ऐसा हुआ कि मेरे दोस्त ने भी सेम कैंप लाया था तो उसका थोड़ा सा गिर गया और इसमें पानी चला गया। तो आप देख सकते हो पूरा अंदर से पूरा स्क्रीन में सब पानी भर चुका है। तो इसका एक ये भी है कि अगर आप प्रॉपरली बैटरी फिक्स नहीं करोगे तो आपका कैमरा ख़राब होने का चांसेस है। ये गिर गया तो उसके हाथ से दो बार, तो गिरते ही इसका ये सीन हो गया। तो आप देखा जाएगा काम करेगा कि नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली चलना चाहिए। बेसिकली हुआ ऐसा है कि वेवपूल स्टार्ट हो गया और उसके बाद बाकी सारा राइड बंद हो गया है। तो दे आर लाइक आप लोग वेवपूल जाके आओ, हम लोग को थोड़ा मेंटेनेंस का काम है वो सब करेंगे, उसके बाद आप लोग आ जाना। तो तब तक अभी देखा तो पूरा वेवपूल भरा हुआ है और पानी का कलर कुछ खास नहीं है। तो हम लोग अंडर वाटर शूट ट्राई करेंगे, हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं तो देखा जाएगा, हम सीधा राइड पर चले जाएंगे। मैं गया पानी में, अंदर से कुछ दिख नहीं रहा है ना। बेसिकली अभी हम आए हैं वॉशरूम में, अभी तक हम लोग ने एक भी राइड किया नहीं है। तो वह ऐसा है कि वेवपूल खत्म हो गया अभी, ऑल ऑफ सडन बाकी सब राइड अवेलेबल हो गया है, तो बहुत बड़ी लाइन हो गई है। तो मैं अभी इसको अपना सिर पे लगाने वाला हूँ कैमरा और आगे का शूट करने वाला हूँ। तो आगे जो भी विश्वास आने वाला है वैसे ही आने वाला है। क्या है मौका, हम जा रहे हैं ऊपर एक्सप्रेस टिकट का फायदा दे रहा ऊपर। तो यहाँ पे ये है सीन, हम आ गए हैं ऊपर, अभी करने वाले हैं मास्टर ब्लास्टर वाला राइड। तो लेट्स सी, रेडी रखा भाई, आप बंद कर देना। शुभम बहुत टाइम से निकला कैसे, क्या हुआ दान पे लग गई अभी और है। वापिस लगी ना, वापिस लगी ना, स्टडी रख स्टडी रख। हाँ मैं स्टडी हूँ, खत्म। How was the ride man? एक नंबर राइड था, बस थोड़ी सी लगी, बस लगता है थोड़ा बहुत पीछे। थैंक यू। तो अभी हम लोग आए हैं दूसरा राइड करने के लिए। तो देखिए कैसा क्या होता है ये, इधर देख बस।
ओके वहाँ पे रेन डांस है नोर, और आगे है ऊपर जाने का रास्ता, तो हम जा रहे हैं ऊपर। ओह ऊपर जाना है, एकदम ऊपर जाना है। इधर देखिए बोल। आई थिंक इमेजिका वॉज मच बेटर। हाँ यहाँ पर राइड्स पता नहीं अपने हिसाब से कभी भी चालू कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि राइड्स मोस्ट ऑफ द टाइम बंद दिख रहा है, पता नहीं क्यों, बट इमेजिका में हर टाइम पे चालू था। एंड रूल चालू रहेगा तो राइड्स बंद रहेगा। हाँ तो इनका इट्स लाइक एक चालू रहेगा तो दूसरा बंद रहता है, जैसे कि वेयरपूल चालू था तो दूसरा बंद था। तो हम आ गए हैं मैट रेसर पे, तो बेसिकली नथिंग बट मैट है, लेट ना है, अपने आप निकल जाएगा वो सीधा नीचे। तो यहाँ से पूरा पार्क दिखता है, वो जो है बेसिकली अम्यूजमेंट पार्क है, एक किड्स का पूल। यहाँ पे है बेसिकली तीन, इसका नाम क्या है पता नहीं, ये कौन सा है, कर्ल वाला है। ओके तो बेसिकली यही से वो बाकी दो राइड भी कम करने वाले हैं, गोल वाला तो गाइस दो तीन राइड हम लोग ने कर लिया बिना लाइन रुके, इसका वीडियो तो आप लोग ने देखा ही होगा। तो अभी हम लोग ने बैटरी चेंज करने आया, तो बैटरी चेंज करके वापस हम जा रहे हमारे बाकी सारे राइड्स कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर कॉम में बताना चाहूँगा कि बिटवीन राइड यहाँ पर सीमेंट का पाथवे है, जो कि धूप से बहुत गंदा गर्म हो चुका है, इसलिए आप राइड टू राइड चेंज करोगे पैर इतना गंदा जलने वाला है, दैट इज कॉन आई थिंक वेरी समर में आने का यही है कॉन्स। हमें मिल गया है एंट्री बूमरैंग का, एफर्स टिकट का फायदा, बाकी लोग काफी सारे टाइम वहाँ पे खड़े हैं। मैं क्योंकि मेरे पास एफर्स टिकट था और ये राइड सिंगल होता नहीं है, तो इसमें आप डबल या ट्रिपल करना पड़ता है, तो बेसिकली आप किसी को साथ में भी लेके आ सकते हैं। सो अभी हम लोग आ गए हैं बूमरैंग में वापस एक बार, तो बूमरैंग कम्प्लीट करते हैं। बूमरैंग में कुछ नहीं है, बेसिकली कुछ टर्न है, एक पूरा 180 टर्न आके हम लोग आगे स्लाइड करें, आप देखिए एंजॉय करिए। सो दैट्स द बूमरैंग एंगल। तो हम चले बूमरैंग में। तो इसी में से आए थे हम लोग। तो गाइस हम लोग ने कर लिया बूमरैंग, तो अभी जाएंगे और दो राइड सेम जगह पे, तो वहाँ पे वो भी रिकॉर्ड करेंगे। हम अभी जा रहे हैं साइक्लोन में, सेम स्टेयरकेस है, तो सीधा ऊपर मिलते हैं, चलो सीधा। क्या हुआ गाइस?
तो चलो साइक्लोन में, हम तो चलो साइक्लोन में। अभी हम यहाँ पे गिरने वाले हैं, हम घूम जाएगा अभी। अपन जाएगा जाएगा बराबर, अरे पीछे जाएगा यार। हाँ उल्टा जाएगा। कुछ नहीं था, एंड में बहुत छोटा सा था। तो हमने अभी जस्ट साइक्लोन कंप्लीट किया, ये है जितिन। तो हमारा दो राइड हो गया, बूमरैंग हो गया, साइक्लोन हो गया। तो अभी करेंगे हम लोग नाइट मेयर, ये वाला। तो जाने वाले हैं नाइट मेयर। सो हम यहाँ पर आ गए काउंटर पे। सो यहाँ पर इन्होंने कॉम्बोज बना रखे हैं। तो हमने कॉम्बो उठाया पिज्ज़ा विथ ब्राउनी एंड कोक। कोक में भी आपको चॉइस नहीं है, जो कोक है वही है। कोक की साइज 250 ml एंड ऑल दैट पैकेज और कॉम्बो इज अराउंड 300। जो भी है ये है और इसको 275 rupees है। तो बेसिकली हम लोग ने खाना खाया है अभी। 275 rupees में हम लोग ने एक पिज्ज़ा, एक ग्लास कोक मिला हमें और एक छोटा सा पीस ब्राउनी मिला। तो हम लोग ने 275 rupees का ये खाना खाया है। तो इसके बाद हम लोग अभी जाएंगे ये वाला राइड पे। इसलिए हमें मिल गया है एक्सप्रेस एंट्री। पहले तो थोड़ा लगा कि क्योंकि यहाँ पे पहले भी आए थे तो उनको आइडिया नहीं था कि एक्सप्रेस क्या होता है। शायद मैं ही हूँ पहला जो वेनसडे के दिन एक्सप्रेस टिकट लेके आया हूँ। तो मैं भी ग्रीनरी अच्छा है। तो यहाँ पे ग्रीनरी मस्त है। हमारा सिर्फ एक दो राइड बाकी है, उसके बाद हम जाएंगे स्लो पुल में। तो ऐसा अपना हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर से सीधा हमारा राइड पे। तो बेसिकली यहाँ पे और इमेजिका के एक्सप्रेस में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक्सप्रेस लोग तुमको राइड का जो क्यू है उसमें हट गया, बट जो आगे जैसे क्यू है, जैसे स्टेयर केस पे क्यू है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली, प्रॉब्लम इज इनको अवेयरनेस नहीं है शायद से, या अगर हम लोग बोलेंगे तो हमें फट से ले लेता है। तो उसमें उनका गलती नहीं, हमारी गलती है, हमें ऐसे खड़े रह जाते हैं। हाँ वो भी है। तो बेसिकली हमें मिल गया है टोर्नेडो का, हम करने वाले टोर्नेडो का राइड। तो ये टोर्नेडो सामने सामने ना। अच्छा मांडी घालून मस्त व्यू आ रहा रहेगा। ओ फक, कान में पानी गया, कान में पानी गया। कान में पानी। शिट वो शिट, एक नंबर राइड। ओ मेरे को मजा ही नहीं आ रहा, मैं उल्टा देख रहा हूँ। डर भाई, बहुत गंदा सीन आया रहेगा। तू पूरा दिख रहा है, तेरा एक्सप्रेशन दिख रहा है मस्त वाला। डैप कर, डैप कर। एक्चुअली नहीं, मैं नहीं आया रहेगा, तेरे को मैं रिकॉर्ड किया। एंगल थोड़ा ऊपर। ओके देखते हैं अपन, देखते देखते आराम से। यार सीढ़ी लगता है। थैंक यू। क्या वॉल्केनो नहीं गए? वॉल्केनो पे क्या? तो लेट्स गो फॉर वॉल्केनो। तो जितना हम लोग ने देखा, हम लोग ने ऑलमोस्ट सारा राइड खत्म कर लिया है। एक बार देखता हूँ, वॉल्केनो करके भी एक राइड है, तो देखता हूँ वॉल्केनो में क्या है।
अगर है अच्छा खासा तो जाएंगे, वरना सीधा हम लोग स्लो राइड पे निकल जाएंगे। यहाँ के एक्सप्रेस से ऑलरेडी लाइक ऑलमोस्ट सिर्फ 2 hours का फर्क पड़ा। हाँ, क्योंकि सिर्फ 5-6 राइड्स थी जिसमें एक्सप्रेस यूज हो रहा था। हाँ, बाकी राइड पे तो लाइक क्राउडिंग है। तो मैं बताऊँ, यहाँ पे बहुत कम राइड्स है देखा जाए तो। और ये लोग का सिचुएशन ये लोग ने ऐसा कर लिया है कि कभी कुछ चालू रहता है तो कुछ बंद रहता है। तो ऐसे में अगर आप टाइम पे आओगे ना तो आपको लाइन पे रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आपको एक्सप्रेस का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो हुआ ऐसा कि हम लोग ने मैंने एक्सप्रेस लिया तो एक्चुअली बेनिफिट 2 लोग का हुआ, मेरा और आकाश का। क्योंकि हर राइड में जो भी राइड से बेसिकली सिंगल नहीं होता है, 2 या 3 लोग का होता है राइड। तो अगर आप एक लेते हो ना तो दूसरे आप किसी अपने नॉर्मल टिकट वालों पे भी उतार सकते हो। तो वी आर गोइंग टू वोल्केनो, लेट्स सी वोल्केनो में क्या है। देखते वोल्केनो में वाइल्ड कार्ड एंट्री चलती है कि नहीं। सो लेट्स सी वोल्केनो क्या है। आई थिंक वोल्केनो इज आल्सो डबल एंट्री, आई गेस वहाँ पे गर्दी दिख रहा है। विल सी। ओके बंद कर। तो हम लोग जाने वाले हैं अभी किधर? तो यही है एक्चुअली वोल्केनो। मेरे को लगा राइड है वो वाला। ओके ओके ग्रेट ग्रेट, जा सकते हैं राइट। ये भी मार्क कर लो, इसमें मेरा एक्सप्रेस है वैसे। ठीक है कोई बात नहीं, वापस आ जाऊंगा मैं। अभी तू मत, ठीक है। वो दिख रहा है, वो दिख रहा है अपना दोस्त आए, 3-4 दोस्त अपने ही है। तो यस, ओ फाइनली हमें मिल चुका है। अरे अरे माँ की, जल रहा है यार। अबे आ मेरे भाई, तेरे को लेके जा रहा हूँ मैं। तो हियर वी आर, हम आए हैं एक्सट्रीम वोल्केनो में। मेरे साथ है आकाश, नवीन, अभिलाष, सब है। तो यहाँ का और इमेजिका का वेव पूल में यही फर्क है कि इमेजिका में बेसिकली 2 लोग का था, यहाँ पे सिर्फ सिंगल पर्सन का। मेरे को जाने आगे, हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। कुछ भी बोला, यहाँ का वेपुल बहुत सही है, इमेजिका से बहुत अच्छा वेपुल है। आया 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 देखो, आया आया। मेरे ऊपर आ गए। अबे तो बेसिकली हो गया हमारा वेव पुल, हम जा रहे हैं आगे। इसका नाम क्या था? ओके, इसका नाम वेव पुल नहीं था, इसका नाम एक्सट्रीम वोल्केनो था। तो गाइस हमने ऑलमोस्ट अपना राइड कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ बची है लेजी राइड। सो चलते हैं लेजी राइड की तरफ। हमने एक्चुअली वोल्केनो में 3-4 बार घूमे, बहुत ज्यादा मजा था। एंड मैं हम वापस उसी में जाने वाला है। तो हुआ ऐसा कि मेरे पास एक्सप्रेस टिकट था, तो एक ही बार जा सकता है एक्सप्रेस टिकट वाला, लेकिन उनको आइडिया नहीं था कि मेरे पास एक्सप्रेस है, तो मैं 2-3 बार कर चुका हूँ राइट। तो दिस इज एन एडवांटेज फॉर मी। इट्स लाइक दिस डे में आओ सुंदर वोल्केनो में पड़े रहो। इट्स दैट गुड। तो यहाँ पे है एक टाइड पूल भी है जिसको मारने की जरूरत है। रुकना रुकना चलना रुकना चलना। तो यही है बेसिकली चाइल्ड वाला, मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, बट यही है हम तो बोल रहा हूँ। चलो तो अभी हमें जाना है इधर। तो दिस इज बेसिकली लेसी रिवर। मेरे को इसमें और दूसरे वाले इसमें डिफरेंस नहीं दिख रहा है भाई। इसमें और दूसरे में डिफरेंस क्या है? इसमें वेव नहीं है, ये स्लो है, ये बस पड़ा रहेगा। हाँ ओके, मजा आ गया। ये देखा अपना पब्लिक, तो दिस इज बेसिकली लेसी रिवर। और हमारा शुभम भाई, ओ अब लग रहा है कुछ आ रहा है वीडियो। आ गए हम लो। लोग, ये रहा हमारे दोस्त लोग, सबके सब अपने ग्रुप पे।
लेजी रिवर इतना लेजी है कि कोई आया ही नहीं इधर, आई डोंट नो क्यों। टाइम के बाद हम फ्री हो गए। बहुत लेजी वाली फील आ रही है यहाँ पे लेजी रिवर में आके, बाकी लोग बहुत आगे निकल चुके। इधर वेव नहीं है तो ये कैसा अपने आप जा रहा है। ये देख के वेनिस वाली फील आ गई दोस्तों, हम मरा हुआ बात दूसरे बार गिरे। इधर से वेव आ रहा है, पता नहीं क्यों वेव आ रहा है। लेजी पूल में भी वेव आ रहा है, उधर से वेव आ रहा है, स्मॉल वेव पूल, वो डेंजर वेव आ रहा है। ओके सब आगे निकल गए, मैं ही रह गया हूँ पीछे, पता नहीं क्यों मैं अटका हूँ। तो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया लेजी रिवर। मुझे इससे अच्छा ना अपना वॉल्केनो वाला स्विमिंग पूल था, वो स्विमिंग पूल बोल रहा हूँ, वॉल्केनो वाला वो ज़्यादा सही लगा। बेसिकली हम आए हैं याकाव वेव पूल में, माना जाता है कि एशिया का लार्जेस्ट वेव पूल है ये, है वेव पूल है तो सही, बड़ा ही है। तो मैं बोलूँ इसका पानी बहुत ग्रीन है, तो मतलब अगर आप अंडर वाटर वीडियो वगैरह बनाना चाहते हैं तो नहीं बन पाएगा। ये इतना डीप है देखा जाए तो, एंड ठीक पीछे है स्टैच्यू। नहीं नहीं मैं पूरा टच करके कोई नहीं, ये रहा हमारा भाई। हाय गाइस, कैसा लगा भाई एकदम? सो फार कैसा था एक्सपीरियंस? ज्यादा अच्छा भी नहीं लगा था, ठीक भी नहीं है। सबसे बेस्ट क्या लगा इधर? अपना कौन सा था रे, वोल्केनो। ओके ओके, और सबसे वर्स्ट? सबसे वर्स्ट लेजी। ओके 90 डिग्री में मैं अटक गया था, मेरा एक्चुअली शर्ट फोल्ड होके मैं अटक गया, मैं सब पैसे क्रॉल कर करके ये बेहोश डेड। तो हम लोग ने काफ़ी टाइम यहाँ पे ऑलमोस्ट 40-45 मिनट बैठे रहेंगे, तो अभी हम जाने वाले यहाँ से। तो बेसिकली हम लोग ने वेव पूल भी कंप्लीट कर लिया है, तो कंप्लीट का क्या है, बहुत टाइम हम लोग ऑलमोस्ट एक घंटा यहाँ पे बैठे थे, उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट तो सब कंप्लीट कर लिया हम लोग ने। बेसिकली हो गया 6 बजे, हमने सारा राइड कंप्लीट कर लिया है, तो हमने अभी शवर लिया है और कपड़े भी चेंज कर लिया है। तो ये अब वक्त है ये लोकल कैब की वापस करना और अपना 100 रुपया वापस लेने का, तो हम वही करने वाले हैं, उसके बाद सीधा बाहर निकलेंगे।
तो देखो गर्मी के वजह से पैर में छाले हो गए। इतना गर्मी था पता है, इतना गंदा गर्मी था। इस पैर में भी है बट ठीक है, चलने नहीं हो रहा। एक डिफिकल्टी है बस, ये गर्मी का सीजन का यही है। तो क्या बोलो, अभी प्रोटेक्टर लगा क्या हो पैर में। तो दैट्स इट गाइस, हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। तो अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि इमेजिका जाना चाहिए या वेटा एंजॉय, तो आई विल सजेस्ट आप इमेजिका ही जाओ। मुंबई से पास भी है और इससे अच्छा राइड और पूल एंड सर्विसेज भी है। तो दैट्स इट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली बार मिलेंगे, अंटिल देन गुड बाय।